हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ओरिजिन कोचिंग। आज हम पढ़ेंगे नाइन्थ फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स, एनसीईआरटी के बुक पर बेस्ड जो हमारे न्यूमेरिकल्स हैं, और चैप्टर है हमारा वर्क एनर्जी एंड पावर। तो वर्क एनर्जी एंड पावर में जो एनसीईआरटी बुक में जो न्यूमेरिकल्स दिया हुआ है, वो न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन हमारे बोर्ड पर डिस्प्ले होगा, आप वहाँ से पढ़िए और मैं आपको रीड भी कर रहा हूँ। इस चैप्टर में हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है क्वेश्चन नंबर फोर हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल। देखिए, सर्टेन फोर्स एक्टिंग ऑन ए 20 केजी मास। देखिए, एक फोर्स 20 केजी, मास इज 20 केजी मास बॉडी पर एक फोर्स अप्लाई किया गया है। इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 5 meter per second, that means its initial velocity is 5 meter second inverse and final velocity is 2 meter second inverse। इस एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स बहुत इजी हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन फार्मूला पर बेस्ड हैं। क्लियर? तो ये बोलता है कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स। तो आपको पता है कि वर्क एनर्जी थ्योरम, आपने चैप्टर रिवाइज किया होगा, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है? ये जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है, यहाँ पर जो अमाउंट ऑफ वर्क होगा वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा। दैट इक्वल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मीन्स क्या होगा? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 1/2 mu² माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv². That equal, यहाँ से हम 1/2 m को कॉमन कर लें तो u² - v², ये हमारा फार्मूला हो जाता है। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट अप कर दें तो ये हो जाएगा 1/2, और मास, बॉडी का मास कितना दिया हुआ है? 20, ये 20 पुट अप कर दिए, और u² मतलब ये 5 का स्क्वायर, दिस इज 5 स्क्वायर, माइनस फाइनल वेलासिटी इज 2, तो क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर हो जाएगा। दैट इक्वल, इसको हम सॉल्व कर दें तो ये कैंसल आउट हो जाएगा 10, और 5 स्क्वायर मीन्स 25 - 4। आगे इसको हम सिंप्लीफाई कर दें, दैट इक्वल 10 × 25 - 4, दैट मीन्स 21, दैट इज 210 जूल। ये हमारा क्या आएगा? वर्क डन। तो इस ये न्यूमेरिकल बहुत ईजी है, इसमें कुछ भी आपको नहीं करना है। ये गिवन पोर्शन है, मास दिया है, और इनिशियल फाइनल वेलोसिटी, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्लियर? तो इसका आंसर आ जाएगा 210 जूल। नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का स्टेटमेंट आप बोर्ड से रीड करिए, बस आपको गिवन पता होना चाहिए और आपको फार्मूला, उसमें वैल्यू पुट अप करना है। क्वेश्चन नंबर 5, ए मास ऑफ 10 kg इज ए पॉइंट ए ऑन ए टेबल। देखिए, यहाँ पर आपको दिखाया गया है, इट मूव्स टू ए पॉइंट बी इफ द लाइन ज्वाइन ए एंड बी इज हॉरिजॉन्टल, व्हाट इज द वर्क डन ऑन द। देखिए, तो ओवरऑल आंसर है, ये टू पोजीशन है, सपोज ये एक पोजीशन है, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, और ये सेकंड पोजीशन है बी। ए टू बी बॉडी को डिस्प्लेस करना है, लेकिन इस पर वर्टिकल फोर्स लगा हुआ है F = 10 न्यूटन, 10 kg वेट है ये। कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स, ये जो फोर्स है कितना वर्क करता है? बॉडी को डिस्प्लेस होना है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और ये फोर्स का डायरेक्शन है। तो आपको वर्क के कंडीशन में हमने पढ़ाया है F = Fs cos θ, दैट इक्वल F = 10, और डिस्प्लेसमेंट क्या है? ये डिस्प्लेसमेंट है S, A टू B, इसको S ही रहने दीजिए, और cos, यहाँ पर देखो ये डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है, ये फोर्स का डायरेक्शन है, और दोनों के बीच में एंगल कितना है?
90 डिग्री है, तो यहाँ पर हम cos का वैल्यू पुट अप कर देंगे क्या, 90 डिग्री दैट इक्वल 10 इंटू एस, और cos 90 का वैल्यू होता है 0, तो ओवरऑल टोटल क्या हो जाएगा 0। तो नो वर्क डन इन दिस केस, इस केस में कोई वर्क डन नहीं होगा। वर्क डन नहीं होने का कारण क्या है, वर्क के यहाँ पर 3 टाइप्स पढ़े हैं, पॉजिटिव वर्क, निगेटिव वर्क एंड जीरो वर्क। तो जीरो वर्क कब होता है, जब बॉडी में डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, उस कंडीशन में उसमें कोई वर्क नहीं होता, तो यहाँ पर वर्क क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्लियर? तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बस कॉन्सेप्ट है एक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर नाइन। A certain household has come 250 units of the energy during a month. देखिए जो energy consume हो रहा है 250 unit, clear? ये power use हो रहा है 250 unit. यहाँ पर एक बात आप ध्यान रखेंगे, one unit equal to होता है 1 kilowatt hour। ये क्या है, पावर का यूनिट है। अपन जो डोमेस्टिक यूज़ के लिए घर में इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं, तो क्या है, किलोवाट आवर उसका यूनिट होता है, जिसको हम यूनिट बोलते हैं। इलेक्ट्रिक बिल आपने देखा होगा, तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाले मीटर बिलिंग में हमको बताते हैं कि 10 यूनिट, 15 यूनिट, कितना यूनिट हमने इलेक्ट्रिसिटी यूज़ किया, इतना यूज़ किया है ड्यूरिंग ए मंथ, वन मंथ में हाउ मच एनर्जी इज इन ए जूल। तो कितनी एनर्जी मतलब हमने यूज़ किया, ये हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। क्लियर? तो यूनिट को सबसे पहले अपन क्या करते हैं, चेंज कर लेते हैं एनर्जी को। ये एनर्जी है हमारा, एनर्जी 250 यूनिट इक्वल टू किलोवाट आवर में चेंज करेंगे अपन, तो किलोवाट आवर ये है, किलोवाट आवर दैट इक्वल इसको वाट में चेंज करेंगे, तो 250 इंटू 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये जो किलोवाट है वो वाट में चेंज हो जाएगा, और सेकंड में इसको कन्वर्ट करने के लिए जो आवर है इसको सेकंड में चेंज करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 3600, मतलब 60 मिनट और इंटू 60 सेकंड। तो ये बस कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। तो इतना कैलकुलेट करने के बाद इसको आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लीजिए, यहाँ पर 2, 0, 3, 5 और 6, ये हो जाएगा 25 इंटू 36 इंटू 10 टू द पावर 6, 25 36 को ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 25 36 कितना हो जाएगा, 900, ये हो जाएगा 900 इंटू 10 टू द पावर 6, जिसको हम लिख सकते हैं 9 इंटू 20 यहाँ से ले लें तो 10 टू द पावर 8, ये क्या हो जाएगा हमारा, 9 इंटू 10 टू द पावर 10 जूल, ये एनर्जी कंज्यूम हो जाएगा, इतना जूल एनर्जी हम कंज्यूम करेंगे। तो ये आप यूनिट ध्यान रखना, वन यूनिट इक्वल टू होता है 1 kilowatt hour, दैट मीन्स 250 kilowatt hour। ये किलोवाट को वाट में चेंज करने के लिए हमने 1000 मल्टीप्लाई किया, और आवर को सेकंड में चेंज करने के लिए 3600 मल्टीप्लाई, बस इसको सॉल्व करेंगे, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इसके न्यूमेरिकल्स बहुत ईजी है, बस छोटे छोटे कैलकुलेशन, इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। Now next question is question number 10. Question number 10 अच्छा question है। Question number 10 थोड़ा standard है question का, ध्यान से statement को समझिए। देखिए, an object of mass 40 kg, mass given mass is 40 kg. ये mass है, is raised to a height. देखिए यहाँ पर मैं एक figure से आपको समझा देता हूँ। ये question वैसे बहुत अच्छा है, इस exercise का सबसे अच्छा question है। ये ground है, और हम क्या कर रहे हैं, 40 kg मास के बॉडी को, सपोज 40 kg मास का कोई ऑब्जेक्ट है, इसको हम क्या कहें, ऊपर उठा रहे हैं। ये हमने सपोज इस हाइट तक उसको लेके गए, जहाँ पर हाइट दिया हुआ है 5 meter, हाइट इज 5 meter, ये 5 meter हाइट तक इसको क्या किया गया, ग्राउंड से अपन उठा के ऊपर लेके जाते हैं। क्लियर? ग्राउंड में एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उसको हम 40 kg का ऑब्जेक्ट है, उसको हमने क्या किया, 5 meter हाइट तक ऊपर उठाया।
फिर बोलता है व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी। इसमें जो फर्स्ट कैलकुलेशन आपको दिया है वो है पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, एम जी एच, क्लियर, एम जी एच। तो मास कितना दिया 40, यदि हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को 10 ले लें, और हाइट दिया हुआ है कितना 5, ये अपन इसको कैलकुलेट कर लें, तो 5 × 4 = 20 और ये 20, दैट मीन्स ये हो जाएगा 2 × 10³ जूल, क्लियर। पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए बोला है, नेक्स्ट पॉइंट अपने को बोलता है, देखिए व्हाट इज डिस्पोजन, इफ द ऑब्जेक्ट इज अलाउड टू फॉल फाइंड द काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट इज हाफ वे डाउन। सेकंड पार्ट इसका बहुत अच्छा है, बोलता है अब क्या करें, इस ऑब्जेक्ट को हम क्या करें, नीचे गिरने दें। तो जब ये हाफ हाफ द डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, दैट मीन्स मिड पॉइंट पे पहुंचेगा, सपोज ये इसका मिड पॉइंट है, तो यहाँ जब पहुंचेगा तो हमको इसका काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना है। तो देखिए मिड पॉइंट में इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 8/2, दैट मीन्स 2.5/2 मीन्स 2.5 मीटर। तो जब ये 2.5 मीटर नीचे है ये फॉल होगा, उस कंडीशन में इसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा। तो इसके लिए हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ हमको इसका वेलोसिटी फाइंड करना पड़ेगा। तो सपोज यहाँ इसका इनिशियल वेलोसिटी u है, तो u कितना हो जाएगा 0, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट में जाने के बाद बॉडी क्या हो जाता है, रेस्ट में आ जाता है। अब यहाँ से फॉल स्टार्ट करेगा तो ये फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर क्या सपोज v है, तो यहाँ हम निकाल लगा देते हैं। नाउ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, यदि हम यहाँ पर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करें, तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, दैट इम्प्लाइज वी स्क्वायर इक्वल टू यू इनिशियल वेलोसिटी इज 0 प्लस 2 × ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज, ये एक्चुअल में g होगा और ये क्या हो जाएगा h होगा, जो कि यहाँ पर h बाई 2 है। तो ये 2 × 10 और इंटू h कितना हो गया 2.5, क्योंकि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, देखिए फिगर में बताया आपको 2.5 डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद हम इसके वेलोसिटी फाइंड कर रहे हैं। दैट इम्प्लाइज इसको हम यहाँ से सॉल्व कर लें, तो वी स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा 5 और ये 50 मीटर पर सेकंड, क्लियर। तो 50 मीटर पर सेकंड इसका फाइनल वेलोसिटी होगा, और उस टाइम में उसका काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करने बोलता है। नाउ इट्स काइनेटिक एनर्जी इज 1/2 mv², दैट इक्वल 1/2, मास इज 40 kg, तो ये 40 अपन पुट अप कर देते हैं, और वी स्क्वायर का वैल्यू हम निकाल कर रखे हैं कितना, ये 50, दैट इक्वल ये हो जाएगा 20 और ये 10,000, ये इसका काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा जूल, 1000 जूल। तो ये यहाँ पर बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जब आप काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करोगे तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर पहले इस पोजीशन पर फाइनल वेलोसिटी फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि वो 2.5 मीटर जब नीचे आ जाता है तो उस समय उसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा ये निकालना है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 10, ये कुछ अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आप नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करिए, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 स्टेटमेंट रीड करिए, ये बहुत आसान क्वेश्चन है 14। एन इलेक्ट्रिक हीटर इज रेटेड 1500 वाट, इसका जो पावर है इलेक्ट्रिक हीटर का 1500 वाट है। हाउ मच एनर्जी डज इट यूज इन 10 आवर्स, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, 10 आवर में कितना इलेक्ट्रिसिटी ये कंज्यूम करेगा बोलता है, ठीक है। तो पावर दिया है 1500 वाट और 10 आवर तक हम उसको क्या करते हैं, हीटर को यूज़ करते हैं, तो कितना पावर वर्क यूज होता है एनर्जी, तो पावर इक्वल टू होता है W/T, दैट इम्प्लाइज W इक्वल टू हो जाएगा P × T, दैट इक्वल पावर इज
1500 इंटू टाइम इज 10 आवर, तो 10 को हम सेकंड में चेंज करेंगे तो 10 इंटू 3600 ये सेकंड में चेंज हो जाएगा। कभी भी किसी क्वेश्चन को आपको आवर में नहीं बनाना है, आवर यूनिट नहीं है, आवर हर क्वेश्चन को सेकंड में बनाना है। दैट इक्वल ये हो जाएगा 15 इंटू 36 कर दिया और जीरो कितने हैं 2, 3 और ये 5, तो 10 टू द पावर 5 इसका मल्टीप्ली 540 इंटू 10 टू द पावर 5 इसको हम इस फॉर्म में लिखें डेसिमल को इधर, तो 5.4 इंटू 10 टू द पावर 7 जूल ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो ये वर्क निकालने के लिए बोलता है, वर्क कैलकुलेट क्या बोलता है, हाउ मच एनर्जी डर एनर्जी निकालने के लिए, तो ये एनर्जी का आंसर आ जाएगा 5.4 इंटू 10 टू द पावर 7। या किलोवाट आवर में आप इसका आंसर देना चाहें, इसका सेकंड पार्ट मैं आपको बता दूं, तो सपोज आपको इस फॉर्म में नहीं लिखना है तो भी आप इस तरह से लिख सकते हैं W इक्वल टू पी इंटू टी, पावर इज 1500 एंड टाइम इज 10 आवर, तो हो जाएगा 15 ये 1000 ये फिर क्या हो जाएगा किलोवाट आवर हो जाएगा क्योंकि ये वाट है। अच्छा किलोवाट आवर में आप चेंज करेंगे ये तो किलोवाट आवर में चेंज कर 1000 डिवाइड भी करना पड़ेगा, ये 1000 डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 15 किलोवाट आवर भी आप लिख सकते हैं। यदि किलोवाट आवर में इसका एनर्जी निकालना है तो ये आंसर होगा, अदरवाइज ये 5 × 4 × 10 टू द पावर 7 जूल। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 17। कैलकुलेट द वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन टू स्टॉप ए कार 1500 kg, कार का मास दिया हुआ है 1500 kg, इतना kg का एक कार है, मूविंग ए वेलोसिटी ऑफ 60 km/h, इसका वेलोसिटी है इनिशियल वेलोसिटी 16 किलोमीटर पर आवर, और कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द वर्क रिक्वायर्ड टू स्टॉप, कार को अपने को रोकना है, दैट मीन्स उसका फाइनल वेलोसिटी कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, स्टॉप करना है, इसके लिए हमको कितना वर्क डन निकालना है। तो अभी जो मैं क्वेश्चन बताया था आपको वर्क एनर्जी थ्योरम, तो वर्क इक्वल टू हो जाता है फाइनल काइनेटिक एनर्जी, दैट मीन डायरेक्ट फार्मूला लिखता हूँ 1/2 ये हो जाएगा m को बाहर कर दीजिए तो यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, दैट इक्वल 1/2 मास इज 1500 और इसका जो वेलोसिटी है कितना 16, तो 16 का स्क्वायर माइनस जीरो, इसके आंसर यदि हमको आवर में ही देना है तो उसको कैलकुलेटर से आप सिंप्लीफाई कर लीजिए तो डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, मैं कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई करके आंसर सीधा बता दूं आपको, मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे अपन इसको तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। देखिए इसको मैं मीटर पर सेकंड में चेंज कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा 16 इंटू किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 आप मल्टीप्लाई करेंगे और पर आवर को सेकंड में चेंज करेंगे तो 3600 डिवाइड करेंगे, 20 इसके सांस में कैंसिल आउट हो जाएगा और इसको हम सॉल्व कर लें तो 50/3 ये मीटर पर सेकंड हो जाएगा, ऐसा बनाना ठीक है और फाइनल वेलोसिटी क्या है जीरो, तो यहाँ पर हम इसका वैल्यू पुट अप कर देते हैं 50/3 का होल स्क्वायर माइनस जीरो, इसको आप लोग सिंप्लीफाई करना, मैं आंसर बता देता हूँ आप इसको सिंप्लीफाई कर लेना, आंसर इसका हो जाएगा 1500 1/2 208333.3, ये आप सॉल्व कर लेना कैलकुलेटर से, मैं सीधा आंसर बता दिया इसको जूल। तो इस तरह से ये 1500 केजी का जो कार है उसको जो कि 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूविंग कंडीशन में है
उसको स्टॉप करने के लिए, रोकने के लिए हमको इतना वर्क रिक्वायर्ड होगा, इतना वर्क मतलब ब्रेक अप्लाई करना होगा, इतना जूल वर्क उस पर करेंगे, ब्रेक अप्लाई करेंगे तो कार को हम रेस्ट में ला सकते हैं। क्लियर। एंड नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 14 था, सॉरी ये हेडिंग में गलत डाल लिया, क्वेश्चन नंबर 14 का स्टेटमेंट था ना ये कार वाला। अब लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है 17, ये 14 नंबर का क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 17 अब बता रहा हूँ। अच्छा 17 के बाद 20, दो क्वेश्चन और भी मेरे कल है 17 एंड 20। पहले 17 देख लेते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 17 कैलकुलेट द वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन ए स्टॉप कार क्वेश्चन नंबर इलेक्ट्रिक हीटर। अरे सॉरी अभी जो क्वेश्चन बताया वो 17 ही था, असल में डेटा दोनों में सेम दिया हुआ है ना, 14 नंबर में 1500 वाट दिया है और 17 में 1500 केजी, तो वो क्वेश्चन वही है ना, अभी जो बताया वो क्वेश्चन नंबर 17 ही था, उसको आप करेक्ट कर लेंगे। अब जो बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 20 है, क्वेश्चन नंबर 20, इससे पहले वाला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 17 ही था। 20 देखिए, फाइंड द एनर्जी इन किलोवाट आवर कंज्यूम्ड इन 10 आवर बाय 4 डिवाइस ऑफ पावर। पावर दिया हुआ है 500 वाट, नंबर ऑफ डिवाइस है 4 डिवाइस है अपने पास। फाइंड द एनर्जी कंज्यूम 10 आवर, टाइम टेकन 10 आवर, ये भी ऐसे डायरेक्ट फार्मूला पर बेस्ट क्वेश्चन है। तो 500 वाट के अपने पास 4 डिवाइस हैं, तो टोटल पावर कितना हो जाएगा, टोटल पावर इक्वल हो जाएगा 500 इंटू 4, वन डिवाइस का 500 तो 4 डिवाइस हैं, तो हो जाएगा इतना वाट। अब अपने को निकालना है, तो पावर इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी, डब्ल्यू इक्वल टू पावर इंटू टाइम, दैट इम्प्लाइज पावर इज 2000 एंड टाइम इज 10। क्लियर। तो ये हो जाएगा किलो वाट आवर, ये इसका पावर हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इस तरह से 20 किलो वाट आवर, ये वाट में है ना, किलो वाट आवर में अपन चेंज करेंगे तो 1000 इसमें डिवाइड कर देंगे, सॉरी इसमें अपन किलो वाट आवर में सपोज चेंज करना है तो ये अपन 1000 वो वाट आवर हो जाएगा, 30 कैंसिल हो तो 20 आएगा इसका आंसर ना, 20 किलो वाट आवर ये इसका, या इसको हम 20 यूनिट भी कह सकते हैं। अभी आपको बताया मैं जितना किलो वाट आवर होता है उसको यूनिट भी कहते हैं, दोनों आंसर आप लिख सकते हैं ये। तो इस तरह से ये जो वर्क एनर्जी एंड पावर का न्यूमेरिकल है बहुत ही आसान है, आपने देखा 6-7 क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चन में ओनली आपको क्या करना है, जो गिवन डेटा है उसको फार्मूला पुट अप करना है, सॉल्व करना है। ये आप जब 11th क्लास में पढ़ेंगे वर्क एनर्जी एंड पावर, तो वहाँ फिर इसका न्यूमेरिकल के स्टैंडर्ड थोड़ा हाई हो जाता है। ऐसे भी मैं हर बार आपको 9th और 10th क्लास के स्टूडेंट को बात याद दिलाता हूँ कि 9th 10th क्लास में जो आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं और उसमें जो न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं वो बेसिक फाउंडेशन है। यदि आपका ये प्रॉपर क्लियर हो, अभी से आप यदि न्यूमेरिकल्स बनाने का हैबिट डालेंगे तो आगे चल के आपको 11th 12th क्लास में उसका हेल्प मिलेगा। अदरवाइज मैंने देखा है कि बहुत से स्टूडेंट 9th 10th क्लास में न्यूमेरिकल्स को इम्पॉर्टेंस नहीं देते, तो आपको ऐसा नहीं करना है। आप 9th और 10th क्लास में न्यूमेरिकल्स को बनाइए, उस पर इंटरेस्ट डेवलप कीजिए, उसको फाइट करिए, तो 11th 12th में अपने आप आपका हैबिट डेवलप हो जाएगा। ओके, थैंक यू।